उत्तर प्रदेश के बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर निवासी इलेक्ट्रीशियन रोहित पटेल हत्याकांड में 24 घंटे में खुलासा करते हुए कैंट पुलिस ने रविवार सुबह मृतक की पत्नी आरती, उसके प्रेमी अनुज पटेल व प्रेमी के दोस्त विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने जुर्म इकबाल किया है। पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ में जुटी है। सोमवार को उपरोक्त सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे मृतक रोहित की पत्नी आरती ने पति की हत्या कराने के लिए पूर्व आयोजित षड्यंत्र रचकर अपने प्रेमी थाना भुता के केसरपुर निवासी अनुज पटेल पुत्र मनोज कुमार को फोन करके अपने घर बुलाया। प्रेमी के साथ थाना भुता के केसरपुर निवासी उसका दोस्त विवेक कुमार प्रजापति पुत्र हरीश कुमार भी, दोनों ने खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे। रोहित पटेल को आरती की मदद से गिराकर पहले गला दबाया, इसके बाद हसिया से गला काट कर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर हसिया से 6 बार किए गए थे। खून रोकने के लिए आरोपियों ने घर के पर्दे को व मृतक की अन्य टी शर्ट को उसके गले में लपेट दिया था, जिससे पुलिस का शक मृतक की पत्नी आरती पर गहरा गया था। रात करीब 1 बजे शव को मोटरसाइकिल पर रखकर दोनों आरोपी उमरसिया रोड के बीच एक खेत में फेंक आए थे। किस तरह से घटना को अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, कल कैसे अंजाम दिया, पूरे बताओ। सर वो टीवी देख रहे थे, वो तभी गिरा लिया, गिरा के गर्दन दबाई और गला काट दिया। अच्छा, ये कहाँ थी? घर में थी। अच्छा, तो इन्होंने मना नहीं किया, क्या कहा इन्होंने? ये बोले बचे ना। देखिए, दिनांक 7 तारीख सुबह तकरीबन 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कांधरपुर थाना कैंट परगवा जंगल में एक मेड़ के किनारे एक शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त रोहित निवासी कांधरपुर थाना कैंट के रूप में की। इस हत्या का खुलासा करने के लिए थाना स्तर पर एक टीम बनाई गई, जो सीओ सिटी वन के नेतृत्व में बनाई गई। इस घटना का सफल खुलासा करते हुए इस घटना को अंजाम देने 3 अभियुक्त शामिल रहे, जिसमें प्रथम अनुज पटेल पुत्र मनोज पटेल जो कि ग्राम केसरपुर थाना भुता का निवासी, द्वितीय अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र हरीश कुमार निवासी ग्राम केसरपुर थाना भुता का निवासी, तृतीय जो अभियुक्त है ये डिसीज्ड की पत्नी है जिसका नाम आरती है, निवासी कांधरपुर थाना कैंट की है। घटना का जो मोडस ऑपरेंडी रहा है इस प्रकार से था कि दिनांक 6 तारीख को रात को 9:30 बजे इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर डिसीज्ड रोहित की हत्या कर दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।